करें। हमारी साहब जवाब दीजिए, क्या सही है अगर वो उपनिषद पढ़ लिए तो वो कम इस्लामिक हो गए? जो है अगर जो दारा शिको राम प्रभु राम की अंगूठी पहनते थे तो वो कम इस्लामिक है, क्या है? देखिए मुगलों ने यहाँ पर 750 जो साल 1857 तक जो रूल हुआ है वो समानता के आधार पर ही हुआ है, वरना हो नहीं सकता था, नामुमकिन था। तलवार के औरंगजेब समानता ला रहे थे। आप बिशंबर नाथ पांडे जी की किताब है द आलमगीर, आप स्टैंड लीजिए ना, आपने जो भी ज्ञान इकट्ठा किया आप मुझे स्टैंड लीजिए। मैं आपको किताब का नाम बता रहा हूँ, बिशंबर नाथ पांडे कोई पुराना नाम नहीं है। अभी कुछ दिन पहले तक उड़ीसा के गवर्नर थे, उसके बाद इंतकाल हुआ है बीएन पांडे जी का, और उन्होंने आलमगीर के बारे में जो किताब लिखी है पढ़िए। मैं उस सब पे जा नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो नैरेटिव कल डेवलप किया गया है इसकी जरूरत क्या है? दारा शिकोह को किसने इस मुल्क में बुरा कहा है या कौन से मुसलमान ने कहा है? इसी दिल्ली में इतनी बड़ी लाइब्रेरी दारा शिकोह के नाम से मौजूद है, आप कह रहे सड़क का नाम नहीं है। अकबर ने क्या किया था? जो दीन इलाही जो कायम किया था सम्राट अकबर ने वो किस बुनियाद पे था? उसके दरबार में नौरतन लगाया था, नौरतन किस बुनियाद पर आए थे? टोडरबल कौन थे वहां पर? यहां तो समानता की बुनियाद पर पूरा का पूरा मुस्लिम काल समानता की बुनियाद पर है। गैर मुस्लिमों पर जो जजिया टैक्स लगाया था उस पर क्या कहिएगा? वो तो हिस्ट्री का हिस्सा है। देखिए जजिया किताब को कोट मत कीजिए, मुझे बताइए आप जजिया टैक्स को पहले समझ लीजिए क्या होता है। जजिया टैक्स सिर्फ धर्म के आधार पर होता था? नहीं, कोई धर्म के आधार पर नहीं होता है टैक्स। टैक्स सबसे लगाया जाता है, सबसे जजिया मुसलमानों से जकात दी जाती है वो टैक्स है, उश्र लिया जाता है। जकात और जजिया टैक्स को मिला दिया आपने? नहीं, वो क्या बात कर रहे हैं आप? समझने की कोशिश, मर्जी से दी जाती है? नहीं नहीं, मर्जी से नहीं दी जाती। कोई जकात का निसाब रखता है और जकात नहीं दे रहा तो उसको जेल भेजने का हुक्म है। इंडिया में तो नहीं है ऐसा कुछ? जकात तो आराम से जीने का, कौन सा जकात नहीं भेजने पे आपको जेल में डाला जा रहा है? आप यहाँ पर देखिए लोग अपनी मर्जी से दे रहे हैं, जहाँ इस्लामी रूल है आप उनके इस्लाम इंडिया का अलग नहीं है, माफ कीजिएगा, इस्लाम पूरी दुनिया का एक ही है और वो कुरान के आधार पर है। जकात जबरदस्ती लेने का हुक्म है मुसलमानों से, जजिया के लिए नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, इसीलिए ये गलत फहमियां पैदा करते हैं। डिबेट में अपना मैं किसी को इंटरप्ट नहीं करता, ना कोई मुझे इंटरप्ट करे। रहमानी साहब, मैं उस बात पर तो आऊंगा कि अच्छे मुसलमान और बुरे मुसलमान पे, लेकिन पहले मैं आपके सामने ये बता दूं कि जिस औरंगजेब की आपने और कहा कि समूचा मुगल वंश समानता के आधार पर, और मुगल वंश का मतलब आपने 750 साल कर दिए जिसमें खिलजी तुगलक सब आ गए, उस सब का आपने मुगल मान लिया। ये आप मुस्लिम, आप कभी चाइन चौक तो गए होंगे, वहां गुरुद्वारा रकाबगंज भी देखा होगा, गुरुद्वारा सीसगंज भी देखा होगा, गुरुद्वारा रकाबगंज भी देखा होगा, भाई मतीदास चौक भी देखा होगा आपने, छोटे साहबजादों का गुरुद्वारा भी देखा होगा आपने। वो ऐसी समानता के आपको मुबारक हो सर, और ऐसी समानता अगर आपके साथ हो जाए तो आप उसको क्या कहेंगे? इसके लिए शब्द बाद में देना, इसके लिए शब्द बाद में देना, तत्काल नहीं, तत्काल देंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सिर्फ कृष्ण गोपाल जी ने नहीं कहा। आज देखिए कि रोज मीडिया में किसी ना किस दिन यह खबर आती है कि फला मुसलमान ने मस्जिद में उनके लिए हिंदुओं के लिए खोला, फला मुसलमान ये कर रहा है। तो ऐसा, ये तो हमारा नैरेटिव है, ये हमारा नैरेटिव है कि इस देश में रहते हुए मुसलमान अगर, जिसको आप गंगा जमनी संस्कृति कहते हैं, वो गंगा जमनी संस्कृति का प्रतीक औरंगजेब है या दारा है, जिसने जफर सरेश वाला ने कहा कि उसने राग दर्पण का अनुवाद कराया, उपनिषदों का फारसी अनुवाद कराया, पंडित राज जगन्नाथ से काव्यशास्त्र की शिक्षा ली। मैं कह रहा हूँ कि इस देश में ताही अहीर की छोहरियां छछिया पर छाछ पर नाच नचावे लिखने वाले रसखान जो इस्लाम के हैं, जो पठान थे, अगर वो कृष्ण भक्ति में है तो अच्छे ने, अच्छे सवाल, अच्छे का सवाल, अच्छे और बुरे का ये कि तो जो नेचुरली औरंगजेब बुरा है, बताइए नेचुरली जो यहाँ पर अपने धर्म को अब दूसरों के ऊपर थोपता है, सिर कटवाता है, शीश उतरवाता है, दीवारों में जिंदा चुनवा देता है, उसको रहमानी साहब समानता कह सकते हैं? मैं नहीं कह सकता। आलमगीर एक नाटक मेरे पास भी है जिसको कम्युनिस्ट पार्टी के एक व्यक्ति ने लिखा है, और अगर आप चाहेंगे तो उसकी कुछ लाइनें आपको सुना दूंगा, तब आपको मालूम चलेगा भीष्म सानी
प्रगतिशील लेखक संघ के सदस्य थे, आप लोग आपकी आंखें खुल जाएंगी कि औरंगजेब और दारा शिकोह में कौन क्या था। सबसे पहले मैंने बात कही कि इस नैरेटिव की कोई जरूरत नहीं थी, और अगर नैरेटिव लेना ही है तो आप अकबर से क्यों नहीं लेते। हर मीडिया करता कि मंदिर में आ गए मुसलमान, आ गए दीन इलाही कायम किया सिर्फ समानता की बुनियाद पर, वो पहला शासक तो अकबर था, फिर आप अकबर को क्यों नहीं ले रहे। नहीं, क्योंकि दोनों शाहजहां के पुत्र थे, वो कह रहे वहां से हिस्ट्री बदल सकती थी देश की, मुकद्दर तय हो जाता, पहले तो मुकद्दर तय होता, दारा शिकोह को खुद शाहजहां भी चाहते थे। सम्राट अकबर के नौरतन और टोडरबल को कौन भूल सकता है, वही वो तो सम्राट। एक बार धर्मवीर चौधरी जी से मैं यहाँ पर रिएक्शन ले लूं, फिर आ रही हूं आपके पास। मुसलमान आप तय कर लेंगे। धर्मवीर जी, जी अंजना जी, मैं आना चाहता हूँ। दारा शिकोह जी एक उदारवादी मुस्लिम शासक थे, ये पूरा संसार जानता है, ये पूरा देश जानता है, लेकिन मैं आरएसएस और बीजेपी के लोगों से ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि तीन स्टेटमेंट पिछले दो महीने में आए, माननीय मोहन भागवत जी का, कल प्रधानमंत्री जी का मथुरा में, और अब गोपाल कृष्ण जी का, ये देश के असल मुद्दों से भटका करके ये कौन से मुद्दे उखाड़ रहे हैं, कौन सी कब्रों में से खींच खींच के ला रहे हैं। ये देश भूखा मरने की कगार पे आ रहा है, और आप रात और दिन पाकिस्तान और मुसलमान और हिंदू और गाय और बाल खड़े हैं और बाल गिरे हैं इस पर डिबेट कर रहे हैं। ये देश जो है, देखिए दारा शिकोह जी एक अच्छे मुसलमान शासक थे, इसमें कोई दोरा नहीं है, लेकिन बैटल ऑफ सारागढ़ी को इंग्लैंड के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है, लेकिन हिंदुस्तान के पाठ्यक्रम में बैटल ऑफ सारागढ़ी का कोई चैप्टर नहीं है। तो आप आरएसएस के गोपाल कृष्ण जी को क्या ज्योतिबा फूले क्रांति के जनक याद नहीं आए, क्या राजा नाहर सिंह याद नहीं आए, क्या पेरियार साहब याद नहीं आए, ये दारा शिकोह याद आए आपको? गौरव भाटिया जी इनको मालूम नहीं है, नहीं नहीं, इस्लामिक कल्चर में बोले थे राजा बहन प्रताप जी ने, अरे इतिहास पर चर्चा बंद करा दे देश में, जमीन दान में दी राजा बहन प्रताप जी, राजा बहन प्रताप सिंह की आप एक मूर्ति यही हम कहते हैं, राजा बहन प्रताप सिंह का आप कार्यक्रम में शामिल नहीं कर सकते, यही हम कहते हैं, राजा बहन प्रताप सिंह ने जमीन दी, देश में पॉलिटेक्निक स्थापना की, आप कौन से जाति और धर्म की बात करते हैं आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग? एक सेकंड, हिस्ट्री का क्लास यहाँ मत शुरू कीजिए, क्योंकि डिबेट पे ही टॉपिक पे हम रहे तो अच्छा है, लेकिन क्या देश में हिस्ट्री पर चर्चा ही बंद करा दे? नहीं नहीं, चर्चा आप करिए, लेकिन लेकिन असल मुद्दों पर चर्चा करिए, इतिहास पर चर्चा करिए। आपने सवाल नहीं सुना, बहादुर शाह जफर को राजा नाहर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ 3 महीने तक क्वेश्चन वन पार्ट ए, उस पर चर्चा होनी चाहिए, क्वेश्चन वन पार्ट ए पर चर्चा होनी चाहिए, सवाल को ठीक से नहीं पढ़िएगा, क्रांति का परिवर्तन किया, आपका जवाब भी गलत है, छोड़िए, चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते, जल्दी से गौरव भाटिया जवाब दीजिए, असल मुद्दों से भटकाना है, असल मुद्दों से भटकाना है, इसीलिए मुसलमान मुसलमान करना है। देखिए, इनके लिए इतना ही कहा जा सकता है कि पढ़ के दो कलमे अगर कोई मुसलमान हो जाए, पढ़ के दो कलमे अगर कोई मुसलमान हो जाए, फिर तो हैवान भी दो रोज में इंसा हो जाए। तो अंजना जी, मुझे धर्मवीर जी की बात सुन के अचंभा ये हुआ कि हमारा भारत देश कभी भूखा मरने की कगार पे नहीं आएगा। अंजना जी, भूखा मरने की कगार पे कौन है? क्या कर रही है देश की? जो मुसलमानों को वोट बैंक समझ, एक मिनट चुप करा दीजिए भाई साहब को, चुप करा दीजिए भाई साहब को, मुझे पता है पर्सनल अटैक मत कीजिए। गौरव भाटिया मेरा विषय नहीं है, आपका होगा, घर में जाके डिबेट कीजिएगा किसी से, प्लीज टाइम मत बर्बाद कीजिए देशवासियों का, जल्दी से टॉपिक पे घर आए चाय पिए टॉपिक पे लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अंजना जी, मैं आपत्ति दर्ज करता हूं इन शब्दों पे कि हमारा देश जो विश्व में सबसे आगे है वो भूखा मरने की कागार पे है। नहीं, देश नहीं भूखा मरने की कागार पे है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो मुसलमानों को वोट बैंक समझती थी, अपने शोरूम खोले रहती थी, जैसे मायावती, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के लीडर, ये लोग भूखे मरने की कगार पे हैं क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो रही हैं। तीसरी बात, रहमानी जी, आपसे पूछा गया कि ये अच्छे मुसलमान हैं कि बुरे हैं। मैं सबसे पहले कहूंगा रहमानी जी बड़े अच्छे हैं और भारतीय अच्छे हैं जब देश की बात करें, लेकिन ये मुसलमान भी नहीं है और बुरे भारतीय हैं जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं अंजना जी 25 लाख मुसलमान आ जाएंगे, हिंदुओं को मजा चखा देंगे। क्या बात। तीसरी बात, देखिए ओवैसी साहब बोलते हैं और ओवैसी साहब बात करते हैं कि मुसलमानों का क्या, मुसलमानों का, उनकी पार्टी के नाम में मुस्लिमीन है, पार्टी के नाम में मुस्लिमीन है,
और वो कहते हैं उनके भाई की 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो जो है हिंदुओं को मजा चखा देंगे। इसी की बात जो है आज की गई है कि अच्छा मुसलमान पहले अच्छा भारतीय है, पहले भारत की बात करेगा, एकता की बात करेगा, जो तो भगवान ने कहा है ये तो डिबेट है। रहमानी साहब मैं बताऊंगा ना कौन है, अंजना मैं बताऊंगा, बुरा मुसलमान था चूंकि उसके हाथों में सल्तनत आई। 16 करोड़ मुसलमान डरे हुए क्यों हैं? गुरु तेग बहादुर जी का शीश, मैं ये कह रहा हूं, गुरु तेग बहादुर जी का शीश 16 करोड़ आने वाला व्यक्ति महापुरुषों संता है। 16 करोड़ मुसलमान डरे हुए नहीं है, 16 करोड़ मुसलमानों से ये चर्चाएं करवा के हिंदुओं को डराने की साजिश चल रही है। बिल्कुल कर रहा है, कर रहा है। 16 करोड़ मुसलमान नहीं डरा मुसलमान गए ना, हम नहीं डरे। अब पुनिया साहब को कहो, अरे पुनिया साहब को कहो, अरे भैया रघानी साहब ये पुनिया साहब को कहो, हमारी कब्र तक का ये मकाम है, जिंदगी करी मरने का भी मकाम है ये, यहाँ हमारे डरने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन आपके पास कोई इशू नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। 16 करोड़ मुसलमानों से 80 करोड़ हिंदुओं को डरा के सत्ता हासिल करने का काम भारतीय जनता पार्टी और RSS करती आ रही है पिछले 30 साल से, और अब उसमें आके उसमें नाकाम हुई है। कोई रीजन नहीं है, आज बीजेपी के पास सत्ता का कोई रीजन नहीं है सिवाय इसके कि इन्होंने मुसलमानों से ब्रेक ले रहे हैं। यही पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं अपनी जेएसडी से इसका जवाब लेंगे।